यहाँ जो सनवार में टेस्टिंग की जा रही है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ, क्योंकि जो अभी टेस्टिंग हो रही है इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो इलाके में कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने लोग नेगेटिव हैं, ताकि वो लोग जो पॉजिटिव निकलेंगे वो कम से कम अपने घरों में बैठकर ठीक रह सकते हैं और मेडिकेशन भी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमें जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा तभी हम अपने घरों में सेफ रहेंगे। जो कि लोग वायलेशन करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। उससे बेहतर है कि पुलिस को भी इसके लिए सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे अपने इलाकों में, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकल पाए और वही लोग निकल पाए जिनको मतलब जो डेली यूज़ पर कुछ चीज़ें लानी होती है घरों में उसके लिए निकले। हाँ, गवर्नमेंट को हर जगह ऐसी स्ट्रिक्टनेस करनी पाई, क्योंकि कल हमने देखा कि हर जगह ट्रैफिक जाम था, लेकिन आज जो हमने देखा पुलिस तैनात थी हर जगह और लोगों को कम से कम इस बात का एहसास हुआ कि दिन ब दिन यहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। हमें अब खुद सोचना चाहिए कश्मीर के लोगों को कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बचानी है। हम यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि नहीं लॉकडाउन हो रहा है, वो हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमें उस चीज़ की तरफ नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस चीज़ की तरफ देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने बच्चों को, हम अपनी फैमिली को कैसे महफूज कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाना है। उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप घरों से बाहर निकले और आकर खुद की टेस्टिंग करवाइए, ताकि वो भी सेफ रहे और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। क्योंकि जब टेस्टिंग होगी उसी से इंसान को पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ताकि वो फिर सेफ जगह रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। हेमोफेलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर, हेमोफेलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज मुआलजा, बाज़ाबतकारी और किफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात और ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।